अच्छा एक चीज का आंसर मुझे ऑनेस्टली नीचे कमेंट सेक्शन में देना कि अगर मैं आपसे कहूँ पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आ रहा है तो आपको क्या लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए कर रहा हूँ? एक्चुअली दोनों ही, पबजी मोबाइल एक्चुअल में इंडिया में वापस आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, किस कंपनी के साथ आ रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और मैं हूँ अखिलेश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर यू। PUBG यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, एक ऐसा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन 2 ईयर 700 मिलियन प्लस डाउनलोड्स का रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया था। ये गेम काफी सारे प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया, जैसे कि PC, कंसोल में PS4 या Xbox, और मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए भी इसे बनाया गया। केवल इंडिया में ही इस गेम के 33 मिलियन से भी ज्यादा डेली एक्टिव यूजर थे, उसके बावजूद इस गेम को बैन कर दिया गया 2 सितंबर को बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द सजेशन ऑफ मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। और बैन करने का रीजन ये बताया गया कि ये गेम हमारी प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहा है। प्राइवेसी वॉयलेट करना इन द सेंस, ये गेम हमारी स्टोरेज एलोकेशन का एक्सेस लेके हमारा जितना भी पर्सनल डेटा है वो सारा स्टील करके अपने चाइनीज सर्वर्स पे अपलोड कर रहा था, जिसकी वजह से हमें आने वाले फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी प्राइवेसी के रिगार्डिंग। और रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, जिस वजह से इस गेम को बैन करने का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि गेम तो बैन हो गया, लेकिन गेम के सर्वर बैन नहीं हुए। गेम गूगल प्ले स्टोर और आई स्टोर से तो हट गया, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट थी पबजी की, वहाँ से लोग डाउनलोड करके इसको खेल रहे थे। अब रिसेंटली 28 अक्टूबर को पबजी ने खुद कन्फेस किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि हमारा जो गेम है वो इंडियन सर्वर्स पे चलाया जा रहा है, हमने अभी तक सर्वर बैन नहीं किए और हम 30 अक्टूबर तक सर्वर को बैन कर देंगे। तो जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं वो 30 अक्टूबर के बाद से पबजी मोबाइल को नहीं खेल पाएंगे, ना ही पबजी मोबाइल को और ना ही पबजी मोबाइल लाइट को। अब इंडियन सर्वर बैन होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 29 अक्टूबर को पबजी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया नोटिस निकाला अमेंडमेंट ऑफ पबजी पॉलिसी के नाम से। पॉलिसी के अकॉर्डिंग पबजी ने डायरेक्टली ये कहा, ड्यू टू एन कॉर्पोरेट एक्विजिशन एंड चेंजेस इन द कंपनी नेम देयर विल बी एन अमेंडमेंट टू अवर टर्म्स ऑफ सर्विस प्राइवेसी पॉलिसी रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड EULA एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट ऑन ऑल पबजी प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब है कि जितने भी पबजी के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो कंसोल हो, PC हो या फिर मोबाइल या मोबाइल लाइट हो, सब में चेंजेस करने वाले हैं। और इस नोटिस के जरिए पबजी ने ये भी बताया कि जो पबजी ऑफिशियल है यानी कि पबजी कॉरपोरेशन, उसका नाम बदलकर अब क्राफ्टन INC यानी कि क्राफ्टन इनकॉरपोरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्राफ्टन ने डायरेक्टली पबजी कॉरपोरेशन के शेयर्स खरीद लिए। इस नोटिस के बाद से पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट की जो पब्लिशिंग कंपनी है Tencent, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहेगा पबजी कॉरपोरेशन उर्फ क्राफ्टन INC कंपनी से। यानी कि पबजी पूरी तरीके से एक साउथ कोरियन गेम बन जाएगा, जैसे कि पबजी PC है वैसे ही पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट भी बन जाएगा। और यही एक रीजन है कि पबजी PC इंडिया में बैन नहीं है, लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया में बैन है, जस्ट बिकॉज ऑफ Tencent कंपनी जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी है। ये सारी चीजें लागू होंगी 2 दिसंबर से, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2 दिसंबर या 2 दिसंबर के बाद से पबजी इंडिया में भी लीगल हो जाए और वापस से प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाए, यानी कि अनबैन हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। को पैसा बर्बाद।